तो बहुत सारे भी नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए, तो मैं फटक से सीक्वेंसेस बताऊंगा नहीं इतने जल्दी, क्योंकि ये 2, 6, 7, 8 महीने पहले की बात है जब मेरा चैनल टर्मिनेट होता, उस टाइम से मैं टाइगर 3 के भी सीक्वेंसेस बताना चालू किया था। टाइगर 3 के टोटल मैंने 4 सीक्वेंसेस बताए जो फिल्म के अंदर जो देखे हुए। टाइगर 3 के जितना मेरे को सीक्वेंस एंड वीडियो क्लिप्स वगैरह मिले उतना शायद मेरे को आज तक मेरे को शायद नहीं लगता किसी फिल्म के मिले होंगे और ना मिल सके, एड अनटिल एंड अनलेस इट्स नॉट अ वायरल फिल्म, तो उतने मेरे को कभी शायद ही नहीं मिल सके। तो वो सीक्वेंसेस क्लिप्स वगैरह जो भी मिले जिसमें कि एंट्री सीन बोला है, जिसमें कि इमरान हाशमी के एंट्री सीन्स बोले, इमरान हाशमी का एक एक्शन सीक्वेंसेस बोला है और एक टैंक सीक्वेंस के बारे में बोला, तो ये सारे 4, 5, 6, 7 सीक्वेंसेस है जो टोटली देखे हुए। एंड इन फ्यूचर जितने सब्सक्राइबर्स ऐड हो, क्योंकि बार बार उस चीज़ को रिपीट, सारे सीक्वेंसेस को मैं बार बार बोलकर वीडियो नहीं बना सकता, बिकॉज वो भाई वो बहुत डेंजरस, वो रिस्क हो जाता है। तो एज ऑफ नाउ पहले सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाने दो, उसके बाद लास्ट में वो चारों पांचों सीक्वेंस का एक एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा। वो सारे वीडियोस डाउनलोड करना जब मूवी आएगा, तो भाई भाई को ज़रूर याद करोगे, मेरे को ज़रूर याद करोगे कि भाई अबे वही है यार, क्योंकि ऑलरेडी ये सलमान खान के फैंस को नहीं पता है ये चैनल के बारे में, लेकिन बाकी फैंस लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ है, बेल्ट सीन से लेकर टकला सीन से लेकर पूरा का पूरा वो पठान का वो लास्ट सीक्वेंस सीन से लेकर ट्रेन सीक्वेंस से लेकर सब पता है। तो ये सब चीज़ स्पेशल कुछ सरप्राइजेस मिल जाते हैं मेरे को, लकीली मिल जाते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ पूरा का पूरा इस बार, खुल्लम नहीं, थोड़ा इनडायरेक्टली बता करना, थोड़ा सा गूज़बम्प्स देता हूँ कि भाई फिल्म कैसी है करके। तो सब्सक्राइब करके रखो। कमिंग टू इमरान हाशमीस, मतलब टोटल कैरेक्टर एज ऑफ नाउ इन फिल्म जो मैंने देखा है, जो सीक्वेंसेस के रिलेटेड है, जो मैंने बंदे से सुना है, हर चीज़ को ले लो, हर चीज़ को। अभी ये चीज़ से मैं गलत नेगेटिव पॉइंट मत लेना, बट जो सच है सच है। एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, चाहे सलमान खान के फैंस हो, शाहरुख खान के फैंस हो, अक्षय के फैंस हो, अजय के फैंस हो, किसी के भी फैंस हो, वो मैटर नहीं करता। अगर एक सिनेमा लवर हो ना, तो मैं हमेशा एक बात याद रखना कि फिल्म का जब विलन है ना, विलन इतना पावरफुल होता है ना, इतना पावरफुल परफॉर्मेंस वे में इतना पावरफुल उसका कैरेक्टराइजेशन ऐसा डिज़ाइन होता है कि वो इतना पावरफुल है कि हीरो उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता है, हीरो उससे लड़ नहीं पाता है, उसको मतलब कोई चिंदी चोर की तरह नहीं दिखाना है, उसको ऐसा दिखाना है कि भाई जब वो बंदा स्क्रीन प्रेजेंस करता है, आदमियों को मतलब लोगों को डर लगने लग जाता है वो लेवल का। जब ये चीज़ हुआ ना फिल्म ऑल टाइम क्रॉसर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई, क्योंकि विलन के साथ पब्लिक कनेक्ट कर पाती है कि विलन इतना मतलब लेवल का बदमाश, इतना लेवल का मतलब अरे हाई ऑक्टेन लेवल का, क्लास लेवल ऑफ एक्शन है उसका, क्लास लेवल ऑफ कैरेक्टर उसका डिज़ाइन किया गया है, तब अपन क्या है कि हीरो से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तब अपन को लगता है कि हीरो सही कर रहा है, हीरो ज़बरदस्त सब कुछ तगड़ा कर रहा है। इवन पठान के टाइम में भी जिम का कैरेक्टर ऐसा बनाया, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। और जो सीक्वेंसेस मैंने इमरान हाशमी के देखे, वो कब्रस्तान सीक्वेंसेस है, जितने भी मैं फुल्ली अभी बहुत बताऊँगा नहीं, वो जितने भी सीक्वेंसेस मैंने देखे हैं ना भाई साहब, ये बंदा करियर का सबसे खतरनाक परफॉर्मेंस देने वाला है। और वायर ऑफ आज तक इस स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्म्स होगी, लाइक वॉर होगी, टाइगर पठान होगी, टाइगर है, टाइगर जिंदा है, जितनी भी फिल्म्स हैं सबसे डेंजरस विलन जो इसका है, ये आने वाला है इस फिल्म के अंदर, सबसे डेंजरस और सबसे डायनेमिक विलन इस फिल्म के अंदर आने वाला है। क्योंकि वो 3-4 सीक्वेंस इमरान हाशमी के काफ़ी थे मेरे को ये फील कराने के लिए कि मैं जब टाइगर फिल्म देखूंगा तो पूरा का पूरा फोकस मेरा विलन के ऊपर चला जाएगा, पूरा का पूरा फोकस मतलब विलन का स्क्रीन प्रेजेंस इतना भयानक होगा कि ऑटोमेटिकली हम लोग सलमान खान के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दैट इज़ व्हाट अ फिल्म इज़ मेड फॉर, कि विलन का कैरेक्टर इतना डेडली हो कि हीरो का कैरेक्टर मतलब हीरो जब परफॉर्मेंस दे तो हम हीरो के साथ कनेक्ट हो जाए कि बस अब बैटल हो, आमना सामना बैटल हो। तो इमरान हाशमी का मतलब अलग ही लेवल का कैरेक्टर है भाई, मैं जब वो सीक्वेंस एक्सप्लेन करूंगा ना, भी आने वाले 10-20 दिन के अंदर एक्सप्लेन कर दूँ, ट्रेलर टीजर इसका आ जाएगा, क्राउड आ जाएगा तब तक, तो ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। सलमान खान का एंट्री सीक्वेंस भी वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जितना चीज़ें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन स्टिल मैं बोलता हूँ, अभी तक जो मैंने इमरान हाशमी के सीक्वेंसेस एंड लुक्स वगैरह जो देखे ना बियर्ड के साथ, ये भाई मेरे को ऐसा लग रहा है उसका एक वो बंदे का एक आई गेस एक पुराना जो प्रीकैप सीन्स होते हैं ना, प्रीकैप
लाइक वो पहले क्या हुआ था, मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ था फ्यू ईयर्स अगो, उसमें शेव्ड लुक के साथ भी कुछ ग्लिम्स दिए गए थे मेरे को, देखा है मैंने। अब मेरे को नहीं पता कि वो फिल्म के अंदर में कहाँ पे उसको सेट करेंगे, मेरे को नहीं पता है, बट वो चलो वो सब चीज़ को साइड करो, उसमें एक मतलब मासूम टाइप बंदे का लुक था, मतलब वो सब ठीक है, सबको साइड करो, लेकिन एज अ डायनेमिक विलन, एज अ डायनेमिक विलन सीक्वेंसेस जब मैंने उस बंदे को देखा ना, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर सलमान खान के फ़ैन भी हो ना तो भी बोलूँगा यार क्या काम करा यार इमरान हाशमी ने, क्या काम करा, करियर का सबसे फाड़ू कैरेक्टर उस बंदे को दे दिया, एग्जैक्टली जैसे जॉन अब्राहम को, धूम का कैरेक्टर को साइड कर लो तो उसके बाद एग्जैक्टली जैसे जॉन अब्राहम को कैरेक्टर को दिया ना, कैरेक्टर दिया ना जॉन अब्राहम के कैरेक्टर को, वैसा ही कैरेक्टर दिया। क्योंकि वायर ऑफ विलन्स बनाने ना भाई, विलन्स बनाने में ना मतलब कोई भी कसरत नहीं छोड़ती भाई। मर्दानी का विलन ले लो, मर्दानी 2 का विलन ले लो, पठान का विलन ले लो, ये अभी टाइगर 3 का विलन ले लो, तो ये विलन धूम, अरे बाप रे, तो विलन बनाने में नो डाउट दे आर द नंबर 1 प्रोडक्शन हाउसेस। तो एज ऑफ नाउ वेट करो इमरान हाशमी के सीक्वेंसेस। इमरान हाशमी के बारे में जो लोग पूछ रहे भाई, इमरान हाशमी का कैरेक्टर अलग है यार, मेरे को लग रहा है स्पाई यूनिवर्स का सबसे खतरनाक, क्योंकि वो 2-3 सीक्वेंसेस देखकर मेरे को समझ आता है कि पूरा का पूरा वाइब्स मेरे को आ जाता है कि क्या होने वाला है फिल्म के अंदर इसका कैरेक्टर। वो बंदा इतना मतलब जैक फिनिक्स क्या नाम है, जोकर है ना, जोकर का कैरेक्टर था, मतलब उस कैरेक्टर का रिसेम्बलेंस देखो कि वो कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि फुल्ली एंग्री और एग्रेशन मोड में, ये भी वैसा नहीं, फुल एंग्री एग्रेशन मोड का कुछ नहीं था, मतलब सिंप एक मासूम लुक के साथ, एक मासूम सा कैरेक्टर के साथ 3-4 मर्डर करके ख़त्म कर देता हूँ। तो ऐसा मतलब ऐसा कैरेक्टर रिसेम्बलेंस उसको दिया गया उस फिल्म के अंदर। तो जब फिल्म आएगी उससे पहले सीक्वेंसेस तो मैं बताऊंगा, वो सारे वीडियो डाउनलोड करना, फिर फिल्म आने के बाद में याद करना, क्योंकि टाइगर वर्सेस पठान के टाइम पे मेरा अपडेट आना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पर हुआ तो मिलते हैं अपने एक वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो फॉर फर्दर अपडेट्स, और